रेप थी। आज ये वीडियो लेके आई हूँ सिर्फ बात करने के लिए। बात इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को कुछ बताना है जो शायद मैंने अभी डिस्कवर किया एक एनालॉजी के रूप में, और एक्चुअली एक बुकिंग ध्यान में दिख गई मुझे पिछले वेल्थ वेबिनार में। एक ने बुकिंग की, एक ऐसी मेरी सब्सक्राइबर ने बुकिंग की कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ माय गॉड, इनकी स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑल्दो उन्होंने हर बार जब भी मुझे ईमेल करती हैं यही रिक्वेस्ट करती है कि उनका नाम रिवील नहीं करने के लिए, तो मैं आज आपको वो एक रिसर्च वर्क बताऊंगी और उसके बाद उनकी भी स्टोरी सुनाऊंगी, क्या थी, कैसे कैसे ग्रोथ की और क्यों ज़रूरी है ये सब जानना आपके लिए। क्योंकि जब मैं कुछ भी नया सीखती हूँ या कुछ भी नया समझती हूँ या कोई एक नया एंगल दिखता है सेम सिचुएशन का, तो आपके साथ शेयर करना लाजमी समझती हूँ, क्योंकि शायद वो आपको इस पूरे सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन अजम्पशन को समझने में ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सबसे पहले रिसर्च वर्क बताती हूँ। क्लेमसन यूनिवर्सिटी की आउटडोर लैब ने रिसर्च की थी, 2007 में हुई थी ये रिसर्च 37 बच्चों के साथ। बच्चों की एज थी 6 से 18 ईयर्स की। ये जो रिसर्च हुई थी, इस रिसर्च वर्क में इन्होंने ग्रुप दो ग्रुप में बांट दिया था बच्चों को, और उन लोगों को बोला था कि वो जो वॉल क्लाइंबिंग की होती है ना एक्सरसाइज, कि तुम लोगों को वॉल क्लाइंब करनी है, आधे ग्रुप को, एक ग्रुप को सिमिलर वॉल, सेम वॉल नहीं था, सिमिलर वॉल दिखाया गया एक वीडियो में कैसे बाकी लोग क्लाइंब करते हैं, दूसरे ग्रुप को कुछ भी नहीं दिखाया गया। और जब दोनों ग्रुप गए क्लाइंब करने के लिए, तो जिस ग्रुप ने वीडियो देखी थी वो वीडियो देखने के कारण उन लोगों ने पाया रिसर्च वर्क में कि वो बेटर क्लाइंबर है, जल्दी क्लाइंब कर पाए और बहुत इजीली क्लाइंब कर पाए। दूसरे ग्रुप जिन्होंने वीडियो नहीं देखी थी उनको क्लाइंब करने में टाइम लगा और उतनी आराम से क्लाइंब नहीं कर पाए। इस रिसर्च से ये क्लियर हुआ कि आप अगर जिस जर्नी में चलना चाहते हैं उस जर्नी में सेम या सिमिलर सिचुएशन में किसी दूसरे को गुजरते देखते हैं और देखते हैं उस सिमिलर सिचुएशन से उसको बाहर निकलते हुए, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एबिलिटी आ जाती है सेम टू सेम कार्बन कॉपी जर्नी ना भी हो तो उस जर्नी से बाहर निकलने की। और यही कारण है कि मैं सोल स्कूल में आप लोगों को इतना ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज लोगों की सुनाती हूँ, लोगों को लेके आती हूँ और अपनी कहानी सुनाए, क्योंकि कोई किसी दूसरी जर्नी में गुजर रहा होगा, अगर वो देखेगा कि अरे ये तो मेरे जैसी है या ये तो मेरे जैसे सिचुएशन में है, और जब ये बेटर हो सकती है या बेटर तरीके से निकल सकती है या कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर सकती है, तो वो आपको भी ज़्यादा एबिलिटी देगा बाहर निकलने में। और कोई भी चीज़ जब आप दूसरे से सीखते हैं, और जब मैं अपनी अचीवमेंट्स आप लोगों को बताती हूँ तो इसके लिए नहीं बताती हूँ कि शो ऑफ करना है या दुनिया को दिखाना है या कुछ प्रूफ करना है। रीजंस अचीवमेंट दिखाने के पीछे सिर्फ इतना होता है कि आप भी इंस्पायर हो, ताकि आपको भी रास्ते निकलने के दिखे। जब मैं इतनी बुरी हालत से यहाँ पहुँच सकती हूँ तो आपकी आज की हालत मेरे उस वक्त की हालत से तो बहुत बेटर है, तो आप मुझसे बेटर अचीव कर सकते हो। और अब आती हूँ एक सब्सक्राइबर की स्टोरी पे। बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है, मेरा चैनल 2021 नवंबर से शुरू किया था मैंने। 2021 नवंबर में छोटे मोटे वीडियोस डालती थी, दिसंबर से फुल फ्लेजेडली वीडियोस डालना सीरियसली शुरू कर दिया था। शायद वो दिसंबर या जनवरी में ज्वाइन की होंगी मुझे, दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में। शुरू में जब आई तो अगर आप पुराने मेरे वीडियोस देखेगा तो उनके कमेंट दिख ही जाएंगे, पाकिस्तान से हैं, नाम तो नहीं लूँगी, हमेशा बोलती थी मेरा दिमाग बहुत कमज़ोर है, मैं दिमागी रूप से बहुत कमज़ोर इंसान हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरा दिमाग कैसे ठीक होगा। उनके ज़्यादातर कमेंट नेगेटिव होते थे। शुरू शुरू में मैं यूट्यूब पे आई थी और मुझे नहीं पता था कैसे हैंडल करते हैं इन सारी सिचुएशन को, तो उनके कमेंट्स देख के मैं भी परेशान हो जाती थी। वो ईमेल भी करती थी, ईमेल लिख लिख के भेजती थी, मेरा दिमाग ख़राब है, मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, मैं कैसे बेटर दिमाग से हो सकती हूँ, ये सारी चीज़ें लिखती थी, अपनी प्रॉब्लम्स लिखती थी। एक बहुत बड़े डिवोर्स से गुजर रही थी, डिवोर्स में उनके फेवर में केस नहीं हो रहा था, लेकिन अपने दिमाग को हमेशा कोसती रहती थी वो। एक बार तो ऐसा हो गया था कि उनकी ईमेल से परेशान होकर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि अगर आप नेगेटिव ईमेल्स करना नहीं बंद कीजिएगा तो मैं आपका नाम ले लूँगी यूट्यूब पे, ताकि वो बंद कर दे अपने बारे में गलत लिखना। खैर उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन कमेंट्स चालू रहे, कमेंट्स आते थे मैं कैसे दिमाग को कैसे ठीक करूँ, अपना दिमाग कैसे ठीक करूँ।
मुझे लगता है उन्होंने मेरे कोई वेबिनार्स नहीं लिए, सिर्फ एक बार सिल्वा अल्ट्रामाइन में आई थी, वो सिल्वा अल्ट्रामाइन सीखा था उन्होंने। उसके बाद थोड़े दिनों बाद उनका एक ईमेल आया कि मेरा डिवोर्स मेरे फेवर में हो गया, लेकिन आप ये सक्सेस स्टोरी नहीं दिखाओगे। मैंने नहीं दिखाया। दिमाग को लेके 2021 से 2023 के मिड तक आते आते दिमाग को लेके बोलना बंद कर दिया। 2024 तक अच्छे कमेंट्स लिखती थी, अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स लिखने लग गई थी। बीच में उनके लाइफ में बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट भी आया, कॉन्ट्रास्ट लिख दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अपने दिमाग को लेके जो कोसती थी वो बंद कर दिया उन्होंने कोसना। उसके बाद अभी देखा मैंने कि लास्ट वेल्थ वेबिनार में वो ज्वाइन की, शायद उनको अब पैसे मैनिफेस्ट करने या कमाने हैं। अब देख रहे हो 2021 से एक ऐसी औरत जो अपने दिमाग को कोस रही है, उसको लगता है वो किसी लायक नहीं है या उसका दिमाग उस लायक नहीं है, इसी तरह के कमेंट्स होते थे उनको। वो हमेशा सेल्फ डाउट में रहती थी, हमेशा खुद को कमज़ोर दिमागी रूप से ऐसे समझती थी। सिर्फ वीडियोस पॉजिटिव चीज़ें देखते देखते, थोड़ा सा माइंड रिप्रोग्रामिंग किया, पता नहीं कितना प्रैक्टिस किया नहीं किया, सक्सेस स्टोरी भेज दी थी कि उनका जो डिवोर्स जिस चीज़ के लिए उन्होंने किया था उनके फेवर में हो गया था, उन कोर्ट केस जीत गई थी। लेकिन अच्छी चीज़ें सुनती हैं, मेरे वीडियोस सुनती हैं, पुरानी भी सुनती हैं, नई भी सुनती हैं। सिर्फ कांस्टेंट मेंटोरशिप जो वीडियो के माध्यम से लेती हैं और वेबिनार में आके लेती हैं। इतनी बड़ी जर्नी कि एक ऐसी औरत जो अपने आप को दिमागी रूप से परेशान समझ रही है, अपने आप को किसी लायक नहीं समझ रही है, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर यहाँ पहुँचती है कि मैं पैसा कैसे कमाऊँ, मैं कैसा पैसा मैनिफेस्ट करूँ, मुझे भी सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, मुझे भी मनी मैनिफेस्ट करनी है। आपको दिख रहा है ये जर्नी कितनी प्यारी है? इसके लिए तो कोई कोई मटेरियल मैनिफेस्टेशन नहीं है, वैसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन एक इंसान जो अपने आप को किसी लायक नहीं समझ रहा है 2 साल के अंदर इस जगह पहुंच गया, जबकि ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रास्ट बंद हो गया, कॉन्ट्रास्ट आए हैं उनकी लाइफ में, अचीवमेंट्स हुई हैं तो कॉन्ट्रास्ट भी आए, लेकिन फिर भी दिमागी रूप से इतनी मजबूत हो गई हैं वो कि अब उनको पैसा मैनिफेस्ट करना है। यही पावर है सेल्फ हेल्प की, यही पावर है जब आप क्रिएटर बनते हो, यही पावर है जब आप दूसरों को देखते हो कुछ अचीव करते हुए तो आप भी एबिलिटी पा लेते हो उस चीज़ को अचीव करने की। और यही कारण है कि मेंटोरशिप या वेबिनार्स या कुछ नया सीखना, या किसी चीज़ को देखा कि कुछ सीख के उसने कुछ कर लिया और आप वही चीज़ सीखते हो, तो आपके लिए जो पहले इंसान के लिए जर्नी होगी 2 घंटे की, आपकी जर्नी वो 1 घंटे की हो जाती है। कभी भी अपने आप को नया सीखने से नहीं रोकिए, कभी भी अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन से नहीं रोकिए, कभी भी किसी दूसरे पे आश्रित होने के बजाय सेल्फ एम्पावरमेंट के बारे में सोचिए, बिकॉज अल्टीमेट ब्रेक थ्रू आपको यही दिलाएगा। मैं आज भी सोचती हूँ कि ऐसा क्या था जो मैंने डिफरेंट किया, जिससे वही दिमाग था ना जो पहले था, 2018 से पहले भी वही दिमाग था, 2018 के बाद भी वही दिमाग है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मैं जीतना शुरू कर दी? क्योंकि आप जब सेल्फ एम्पावरमेंट लेते हो, जब आप अपने आप पे कहते हो कि आई विल चेंज, एंड उस चेंज के लिए जो भी बन पड़ता है, जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत होती है आपकी लाइफ सिचुएशन के हिसाब से, हर किसी की लाइफ सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। कुछ कहेंगे मैंने तो बस सोचा और मैनिफेस्ट कर लिया, और कुछ को कुछ चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है अपने दिमाग को चेंज करने के लिए, अपने इनर वर्ल्ड को चेंज करने के लिए। तो इनर वर्ल्ड को चेंज करने के लिए आपको जो भी टूल्स हेल्पफुल, अगर वो टूल्स यूज़ कर रहे हो, और मैंने वही किया कि मैंने वो सारी चीज़ें चेंज किया, तो आपके अंदर का एक क्रिएटिव जाग जाता है, और वो क्रिएटिव का एक ही काम है क्रिएशन करना, और वो क्रिएशन तभी करेगा जब आप अपने अंदर वर्ल्ड को चेंज कर रहे हो। जैसा अंदर का वर्ल्ड होगा वैसा क्रिएशन होगा। वो क्रिएटिव जागता है जब आप सेल्फ एम्पावर्ड होते हो, जब दूसरों पे आश्रित होना बंद करते हो, जब आपको लगता है कि आप सच में कर सकते हो, और वो क्रिएशन जब जागता है आपके अंदर, तो आपके सारे डिसीजन सही होते हैं, फिर आपका वही माइंड एक अल्ट्रा माइंड बन जाता है।
क्योंकि हमारा इनर वर्ल्ड चेंज करना हमारे हाथ में। एक कमेंट आया था कि मैम मैं नेगेटिव सोच में बिजी रहती हूँ, आपका अल्ट्रामाइंड वेबिनार आ रहा है। बाय द वे अल्ट्रामाइंड वेबिनार आ रहा है संडे को, अगर आपको सीखना है कि कैसे माइंड रिप्रोग्राम करते हैं तो बुकिंग चालू है, बुकिंग बहुत जल्द बंद होने वाली है फ्राइडे को, तो जिनको भी ज्वाइन करना है जल्दी से बुकिंग करा ले। बुकिंग इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, वैसे कम्युनिटी पे भी डालूंगी थोड़ी देर में। तो उन्होंने डाला कि आपका आपकी अल्ट्रामाइंड ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं बहुत नेगेटिव सोचती हूँ। आपने बोला था कि नेगेटिव सोच वालों को या पास्ट ट्रॉमा है तो अल्ट्रामाइंड नहीं करने के लिए, जो बात सच है। 2 साल पहले जब मैं अल्ट्रामाइंड लेके आई थी तो मैं मना करती थी कि आप मत आइए, बिकॉज आपको सोचने की नेगेटिव सोचने की या आप इस जर्नी में आगे ट्रॉमा ट्रोमेटिक इवेंट है तो आप कुछ बुरा मैनिफेस्ट कर लो। लेकिन 2 साल में मैंने भी बहुत सीखा, मैंने भी बहुत जांचा, और बहुत जांचने परखने के बाद देखा कि अल्ट्रामाइंड में तो एक्चुअली पावर है कि आपके नेगेटिव सोच को भी रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो जो इस वक्त अगर नेगेटिव सोच में हो, जैसे वो लेडी थी अपने आप को दिमागी रूप से कमज़ोर समझती थी, अपने आप को प्रोग्राम करना शुरू की दिमागी रूप से स्ट्रांग होने की, शायद उनको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा होगा कि वो बदली है, क्योंकि हम हर दिन बदलते हैं, लेकिन इतना कतरा कतरा बदलते हैं कि हमें वो चेंज फील नहीं होता है। जो दूर से देख रहा होता है उसको आपके अंदर चेंज फील होता है, आपके शब्दों से, आपके रहने के तरीके से, आपके लिखने के ढंग से पता चलने लगता है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आप नेगेटिविटी से भी परेशान हैं, तो मैं आप लोगों को अब टूल्स देती हूँ, जो लास्ट 6-7 महीने में आ रहे हैं अल्ट्रामाइंड में, उनको पता है कि मैं अब टूल देती हूँ कि किस तरीके से आप अपने नेगेटिव माइंडसेट को भी पॉजिटिव में बदल सकते हो, खुद को रीप्रोग्राम कर सकते हो पॉजिटिविटी की तरफ। अगर पास्ट ट्रॉमा है तो उस ट्रॉमा के लिए भी कैसे खुद को रीप्रोग्राम कर सकते हो। जैसे जैसे मैं ग्रो कर रही हूँ वैसे वैसे मेरे सिखाने का भी तरीका ग्रो कर रहा है। तो अगर आपको सीखना है तो बिल्कुल आइए। जब किसी चीज़ में कुछ पाबंदी होती है तो मैं ओपनली बता देती हूँ कि वो मत कीजिए या आपको आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये रीप्रोग्रामिंग मेथड सबको हेल्प करता है और एक बहुत कारगर उपाय है। लिटरली मैं आज भी बोलती हूँ कि होजे सिल्वा ने ये जो अल्ट्रामाइंड, ये जो अल्फा लेवल में जाने की सिस्टम दी है, थोड़ा सा मेहनत है 1 महीने का, लेकिन इससे बेस्ट ऑल्टरनेट मुझे अभी तक नहीं मिला। एनीवेज, ये वीडियो बनाई हूँ मैं आप लोगों को बताने के लिए कि हो सकता है कि आप चेंज ला रहे होंगे अच्छी चीज़ें देखने से, अच्छी चीज़ें सुनने से, अच्छी चीज़ें सीखने से। चेंज थोड़ा कतरा कतरा आ रहा होगा तो आपको एहसास नहीं हो रहा होगा, मेरी उसी सब्सक्राइबर्स के जैसा जो 2021 से मेरे साथ है। गंदा लिखती थी लेकिन आज अच्छा लिखती हैं, वही सब्सक्राइबर जो समझती थी कि वो दिमागी रूप से कमज़ोर है, इतने बड़े ड्रामा को झेलने के बाद भी उनके कमेंट में मैंने देखा पॉजिटिविटी, और सबसे इम्पोर्टेंट वो अब वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा रही हैं, अब उन पे क्रिएटर बनने की खूबी आ रही है। तो जब वो कर सकती हैं, अपने आप को इतना बदल सकती हैं, तो आप तो बहुत बेटर कंडीशन में हैं। हारिए मत, रुकिए मत, हर दिन स्टूडेंट बनकर सीखिए। ग्रोथ एक नेवर एंडिंग जर्नी है, और जितना सीखोगे उतना ग्रो करोगे। मैं आज भी सीखती हूँ, इसके लिए मेरा ग्रोथ कंटिन्यू रहता है। होपफुली ये बस मुझे बात करने आना था आप लोगों से, होपफुली ये किसी की हेल्प करे ये समझने में कि बदलाव कतरा कतरा ही सही आपको एक बहुत लंबे जर्नी को छोटा करके ज़रूर देता है। बदलिए, हर दिन बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बदलाव सच में आपके डिजायर तक पहुंचा के रहेगा आपको। टेक केयर, गुड बाय।